नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का बेसिक लगाने जा रहे हैं और ये लेक्चर आपका 7 है। तो दोस्तों, इससे पहले के जो 6 लेक्चर है आप उनको जरूर देख लें, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका एक आदमी का अदिश गुणन। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब अदिश का मतलब एक अदिश होगा जिसका हमें एक आदमी में गुणा करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि कोई अदिश है आपका के, ठीक है, तथा आव्यूह है आपका ए बराबर ए आई जे। ठीक है, ए आई जे। ठीक है, तो अब इनके गुणनफल को, कहने का मतलब ए और के गुणनफल को, ए तथा के गुणनफल को हम दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, के ए के द्वारा। ठीक है, तो हम कहने का मतलब ए कोई आपका आवी हुआ और के कोई आपका आदेश है, जब इनका दोनों गुणा करेंगे तो दिखाएंगे के ए। तो इसका मतलब क्या होता है कि अर्थात आपका जो के है, के से ए के प्रत्येक तत्व के साथ गुणा। ठीक है, कहने का मतलब अर्थात के से ए के प्रत्येक तत्व के साथ गुणा करने पर हमें के ए प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे, तो देखेंगे हम। जैसे कि हमारे पास के ए, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका के आई जे, क्योंकि मैंने बताया कि आपका ए आई जे क्या होता है, एक संख्या होती है। जब के का मैं मल्टीप्लाई ए में कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ए के जितने भी तत्व हैं उसमें के का गुणा हो जाएगा। तो ए आई जे एक संख्या है, तो के का गुणा इस संख्या में हो गया। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, अगर ए बराबर मेरे पास कोई आपका एक मैट्रिक है ए बी और सी और डी, ठीक है, अब मुझे के ए निकालना है, तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, मैं इसे लिखूंगा के इंटू ए का मान क्या है आपका ए बी सी और डी। ठीक है, तो अब के का जो है वो आपका प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने का मतलब क्या मिलेगा मुझे के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी और के इंटू डी। ठीक है, तो ये भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें ए बराबर दे रखा है 1-3, 0, 3। ठीक है, अब हमें जो मान निकालना है वो हमें निकालना है 3a का, तो 3a, कहने का मतलब जहां k की जगह कितना आ रखा है 3, मतलब अदिश जो है वो आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा भाई 3 × आपका पूरा जो आव्यूह है वो उसे लिख देंगे। ठीक है, अब आपका जो आंसर जो आएगा, आप प्रत्येक पद में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 × 3, 3 में 3 का गुणा किया तो -9, 3 × 0 में किया तो 0, 3 × 3 में किया तो 9, तो ये आपका अदिश गुणन आ गया किसी आव्यूह का। सिंपल क्या करना रहता है इसमें अदिश गुणन में, कि जो संख्या मतलब आपका जो संख्या हमें मतलब आव्यूह दे रखा है उसमें जिस संख्या गुणा करना, तो उसका जो गुणा होगा वो प्रत्येक पद में आपका गुणा होगा, 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 का गुणा 0 में भी होगा, 3 का गुणा 3 में भी होगा, तो यही आपका आव्यूह का अदिश गुणन होता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण हम आव्यूह का गुणनफल जानेंगे कि दो आव्यूह का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे आव्यूह का गुणनफल, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसके बिना आपका मैट्रिक्स के आपके सवाल नहीं हो पाएंगे, तो उसे हम ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो ढंग से समझूंगा, इस पे एग्जांपल आपके एक दो एग्जांपल कराऊंगा गुणा करके, तो कैसे गुणा करेंगे दो आव्यूह का। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी सबसे पहली शर्त जो है वो हम जान लेते हैं कि दो आव्यूह का गुणनफल संभव होगा यदि माना ए व बी दो आव्यूह है, तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तब आपका गुणा जो है वो संभव होगा। कहने का मतलब ए में आपकी स्तंभों की संख्या, मतलब ए में जो आपकी स्तंभों की संख्या है, यदि बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तब आपका गुणा जो होगा संभव। तो देखते हैं, माना आपका ए आपका आव्यूह है,
जिसकी कोटि आपकी M क्रॉस P है, ठीक है, ठीक है। और B आव्यूह है जिसकी कोटि आपकी P क्रॉस N है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहां पर जो पहला जो M होता है वो पंक्ति होती है और दूसरा वाला आपका कॉलम, ठीक है, ये रो और ये कॉलम। तो अब हम देखेंगे कि A, मैंने जैसे बताया A में स्तंभों की संख्या, तो A में स्तंभों की संख्या कितनी है, P है, तो A में स्तंभों की संख्या कितनी है आपकी, P है, ठीक है। और B, B में पंक्तियों की संख्या, तो B में पंक्तियों की संख्या कितनी है आपकी, वो भी है आपकी P, ठीक है, तो P है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि A के स्तंभों की संख्या और B के स्तंभों की संख्या दोनों बराबर है, अतः A इंटू बी संभव है, ठीक है, A क्रॉस B संभव है, ठीक है। मान लेते हैं, माना A क्रॉस B हमें C प्राप्त होता है, ठीक है, तो C का जो क्रम होगा, तो C का जो क्रम होगा वो होगा आपका M क्रॉस N, कहने वाला M क्रॉस N, जहां M, जहां M A के पंक्तियों की संख्या है और जो N है वो B के स्तंभों की संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों जो A क्रॉस B का जो हमें तीसरा जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा C, जो उसका जो क्रम होगा वो आपके A के पंक्तियों की संख्या इंटू आपका B के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। तो इसका क्रम भी हमें निकालना है, ठीक है। तो अब अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम गुणा करके दिखाते हैं और देखते हैं कि उसका क्रम किस तरीके से सेट होगा। तो दोस्तों हमारे दे रखा है A बराबर 3, 2, 5, 1, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स है, और B बराबर दे रखा है 9, 4, 6, 7, ये भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। दोस्तों इसका गुणनफल निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आप एक निशान ऐसे लगाएंगे पहले वाले पे और दूसरे वाले पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। कहने का मतलब जब हम पहला पद निकालेंगे तो पहली पंक्ति लेंगे A की, ठीक है, और पहला कॉलम लेंगे B का, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझेंगे ढंग से, मतलब गौर से थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले हम जान लें देखो इसकी स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है, ठीक है, तो इसका गुणा आपका संभव है। वैसे ही आपका एक वर्ग आव्यूह है, दोनों ही वर्ग आव्यूह हैं तो आपको गुणा तो वैसे संभव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि मैंने जैसे शर्त बताई है आपकी कि आपकी प्रथम आव्यूह की स्तंभों की संख्या और द्वितीय आव्यूह की पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, और इसका जो जो हमारा जो A क्रॉस B निकलेगा, ठीक है, तो उसका जो आपका जो कोटि होगी वो क्या होगी, A के पंक्तियों की संख्या इंटू B के स्तंभों की संख्या, मतलब 2x2 निकलेगा। अब गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 × 3 = 27, ठीक है, पहला पद निकाल रहे हैं। फिर देखो तो आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति लेंगे और पहला कॉलम लेंगे, तो 3 × 9 प्लस आपका आएगा 6 × 12, तो ये पहला पद निकला, ठीक है। तो कैसे गुणा करेंगे एक बार देख लेंगे कि आपको पहली पंक्ति के पहले पद का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम के पहले पद के साथ गुणा करेंगे, मतलब 3 × 9 में किया 9 × 27, अब दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ, मतलब पंक्ति का दूसरा पद और यहां पर कॉलम का दूसरा पद, 6 × 12 ये निकल आया। अब आपका पंक्ति तो वही रहेगी अब दूसरे पद के लिए, लेकिन आपका कॉलम चेंज हो जाएगा, 4 × 12 मतलब 3 × 4 के साथ प्लस अब 2 × 7 में करेंगे, 7 × 14, ठीक है। इसी तरीके से अब आपका यहां पर पंक्ति चेंज होगी, कॉलम यहां पर वही रहेंगे, तो पहले पहला कॉलम पहले आपके लिए पहले कॉलम लेंगे, तो 9 × 5 = 9 में करेंगे तो 45, और 1 × 6 में करेंगे तो 6, ठीक है। इसी तरीके से 5 × 4 में करेंगे 20, और 5 × 7 में करेंगे तो आपका 7, सॉरी 1 × 7 में करेंगे तो आपका 7 आएगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब इसे हम थोड़ा गौर से समझेंगे, मैं एक बार और समझा दूंगा। अब इसका आंसर निकालते हैं, 27 और 12 हो गया आपका 39, 12 और 14 हो गया आपका 36, और इसके बाद 12 और 14 हो गया आपका 26, ठीक है, 12 और 14 26। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे 45 और 16 आपका हो गया 6 हो गया आपका 51, 20 और 7 हो गया आपका 27। तो आप देखेंगे हमारे 2x2 का मैट्रिक्स निकला। और देख लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपका गुणा समझना बहुत जरूरी है, तो निकालेंगे हम अब दोस्तों आपके दो आव्यूह का गुणा को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें दे रखा है यदि a बराबर आपका 1 2 3 0 4 1, मतलब 3/2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, तथा b बराबर दे रखा है 0 1 0 0 2 1 2 3 0, जो हमें 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ba ज्ञात करना है, ठीक है। तो ba ज्ञात करने के लिए आपका क्या होगा, इसके कॉलम की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम जब बी रखेंगे तो पहला आपका ये वाला माना जाएगा और दूसरा आपका ये माना जाएगा। तो पहले वाले की क्या आपके स्तंभों की संख्या दूसरी वाली के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तब आपका गुणा संभव होगा। तो आप देख सकते हैं आपके पहले वाले की अगर बी ए ले रहे हैं तो बी आपका पहले आएगा, तो उसके स्तंभों की संख्या और यहां पर पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अब इसका क्रम जो आएगा वो कितना आएगा, क्रम आएगा आपका 3/2 का, ठीक है, पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले का कॉलम। तो इसका क्रम जो आएगा वो आएगा आपका 3/2 का, ठीक है। तो गुणा तो संभव है, तो बी ए और निकालना है तो बी ए, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, बी का मान रखेंगे। तो बी का मान कितना है हमारे पास, 0 1 0 0 2 1 2 3 0, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किसका करना है भाई, 1 2 3 0 4 1, ठीक है। दोस्तों आपको गुणा तभी संभव होगा जब आप दो चार क्वेश्चन इस पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने बताया इस तरीके से आपको तीन लगाना है और दूसरे वाले को इस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो अब निकालते हैं, तो सबसे पहले आप, मैंने बताया पहली आपकी पंक्ति मतलब आर वन और यहां पर सी वन में गुणा होगा, तो पहला पद निकालने के लिए तो एक का गुणा जीरो में किया तो जीरो, एक का गुणा तीन में किया तो तीन, और जीरो का गुणा चार में किया तो जीरो, ठीक है। अब आपका सब बीच में प्लस आएगा, ठीक है, सब अंक आपके जुड़ते हैं, ठीक है। अब पंक्ति आपकी पहली रहेगी लेकिन कॉलम आपका चेंज हो जाएगा, जीरो का गुणा टू में किया तो जीरो, वन का गुणा जीरो में किया तो जीरो, और जीरो का गुणा वन में किया तो आपका आएगा जीरो, ठीक है। इसी तरीके से अब आपकी पंक्ति पहली कंप्लीट, अब पंक्ति आप लेंगे पहले वाले आव्यूह की दूसरी वाली पंक्ति लेंगे, अब आपका कॉलम वही रहेगा, तो जीरो का गुणा वन में किया आपका जीरो, टू का गुणा तीन में किया आपका सिक्स, वन का गुणा फोर में किया तो फोर, ठीक है। इस तरीके से आपकी पंक्ति अब दूसरी वाली रहेगी, कॉलम आपका चेंज हो जाएगा, जीरो मतलब टू, जीरो का मल्टीप्लाई टू में किया तो जीरो, टू का मल्टीप्लाई जीरो में किया तो जीरो, और वन का मल्टीप्लाई आपने वन में किया तो वन, ठीक है। अब ये पंक्ति पहली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति होगी, अब तीसरी पंक्ति हम लेंगे, ठीक है, टू का मल्टीप्लाई वन में किया टू, थ्री का मल्टीप्लाई थ्री में किया नाइन, फिर प्लस आएगा, उसके बाद जीरो का मल्टीप्लाई फोर में किया जीरो, उसके बाद टू का मल्टीप्लाई, अब आपकी पहला कॉलम कंप्लीट, अब दूसरा कॉलम हम ले लेंगे, ठीक है। दूसरा कॉलम लेंगे तो टू का मल्टीप्लाई टू में किया तो फोर, प्लस थ्री का मल्टीप्लाई जीरो में किया तो जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई वन में किया तो जीरो। तो देखते हैं अब आंसर हमारा क्या आता है, ठीक है, आंसर देखते हैं हम क्या आएगा आपका यहाँ पर, जीरो प्लस थ्री प्लस जीरो मतलब तीन आएगा, यहां पर आपका जीरो आएगा, यहां पर आपका 10 आएगा, यहां पर आपका 1 आएगा, यहां पर आपका 11 आएगा, और यहां पर आपका 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो बताया था आपका जो क्रम आएगा 3/2 का आएगा, तो आप देख सकते हैं तीन आपकी पंक्तियां हैं और दो आपके स्तंभ हैं, तो आपका जो क्रम है वो कितना आया आपका 3/2। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपका, ए बराबर दे रखा है 1 2 5 3 4 5, मतलब हमें दे रखा है आपका 2/3 का मैट्रिक्स दे रखा है। उसके बाद बी बराबर दे रखा है 4 0 2 1 1 5, और ये इसका जो मैट्रिक्स होगा आपका क्रम जो होगा वो होगा 3/2, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए बी और बी ए निकालना है, और ये क्वेश्चन जो आपका यूपी बोर्ड 2009 में आपका एक बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो अब पहले हम देखेंगे जब हम ए बी कब संभव होगा, दूसरे पहले का कॉलम और दूसरे का पंक्ति तो दोनों बराबर है, तो कहने का मतलब ये हमारा गुणा निकल सकता है। तो हम निकालेंगे कैसे, तो ए बी निकालते हैं पहले, जो ए बी हमें दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं कितना है, 1 2 5, उसके बाद 3 4 6, ठीक है, मल्टीप्लाई
402115। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई, तो सिंपल मैंने बताया इसका आप यहां तीन लेंगे और इसको यहां लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले हम एक बार पहली पंक्ति से करेंगे और दोनों कॉलम लेंगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति से, उसके बाद दोनों कॉलम। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं हम। तो वन का मल्टीप्लाई फोर में किया तो वन इंटू फोर, अब टू का मल्टीप्लाई टू में करेंगे प्लस लगा के टू इंटू टू, उसके बाद आपका प्लस फाइव इंटू वन। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया, अब पहली पंक्ति रहेगी, अब दूसरा कॉलम लेंगे हम। ठीक है, तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति कितना, वन का मल्टीप्लाई जीरो में प्लस, उसके बाद टू का मल्टीप्लाई आपका वन में प्लस, अब फाइव का मल्टीप्लाई फाइव में। ठीक है, तो ये निकला, उसके बाद अब हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट में दोनों कॉलम में गुणा हो गया, अब दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति मतलब तीन का गुणा प्लस चार में बारह मतलब प्लस, उसके बाद चार का मल्टीप्लाई आपका टू में और छह का मल्टीप्लाई आपका वन में। ठीक है, छह का मल्टीप्लाई, तो अब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से पहला कॉलम कंप्लीट, अब दूसरी पंक्ति से दूसरा कॉलम करेंगे, मतलब थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू वन प्लस सिक्स इंटू फाइव। ठीक है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास, फोर दो का मल्टीप्लाई फोर और फाइव इंटू वन फाइव, इसके बाद जीरो प्लस टू इंटू वन का मतलब टू और फाइव इंटू फाइव का मतलब ट्वेंटी फाइव, इसके बाद ट्वेल्व फोर इंटू टू एट और सिक्स इंटू वन सिक्स, उसके बाद आपका थ्री जीरो फोर इंटू वन फोर और आपका सिक्स इंटू फाइव थर्टी। ठीक है, तो सिंपल इसका आंसर निकाल देते हैं हम, आंसर कितना आएगा आपका फोर फोर एट और फाइव आपका थर्टीन, आपका हो जाएगा ये 27, ये हो जाएगा आपका 26 और ये हो जाएगा आपका 34, तो यही आपका आंसर है। अब हम निकालेंगे आपका ए भी तो निकाल दिया, अब निकालेंगे हम बी इंटू ए। दोस्तों अब हमें निकालना है बी इंटू ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे, तो बी कितना है आपका 402115, इसकी कोटि कितनी है आपकी 3y2। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ए, ए कितना है 123346, इसकी कोटि कितनी है आपकी 2y3। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहले के आपका कॉलम और दूसरे की पंक्ति दोनों समान है, तो उसका गुणा संभव है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने वही आप एक तीर यहां लगाइए और एक तीर यहां लगाइए। ठीक है, तो आप देखेंगे निकालेंगे, तो फोर का मल्टीप्लाई आप वन में करेंगे, उसके बाद प्लस जीरो का मल्टीप्लाई आप तीन में करेंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति चल रही है लेकिन कॉलम आपका एक ही कंप्लीट हुआ है अभी, तो पहली पंक्ति फिर से दूसरे कॉलम में फोर प्लस, उसके बाद जीरो इंटू फोर। ठीक है, तो अब आपका दूसरा कॉलम भी कंप्लीट, अब तीसरे कॉलम कंप्लीट करेंगे, फोर इंटू फाइव प्लस जीरो इंटू सिक्स। ठीक है, तो आपका पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, हमने तीनों कॉलम के साथ गुणा कर दिया। अब इसी तरीके से आप दूसरी पंक्ति लेंगे, तो टू इंटू वन प्लस टू इंटू वो वन इंटू थ्री। ठीक है, तो पहला कॉलम कंप्लीट दूसरी पंक्ति से, अब हम निकालेंगे आप दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपका टू इंटू टू प्लस वन इंटू फोर, अब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो टू इंटू फाइव प्लस वन इंटू सिक्स। ठीक है, अब हम तीसरी पंक्ति लेंगे और एक एक करके कॉलम लेंगे, तो तीसरी पंक्ति के पहले पंक्ति में पहले कॉलम में करेंगे तो वन इंटू वन प्लस फाइव इंटू थ्री, इसी तरीके वन इंटू टू प्लस फाइव इंटू फोर। ठीक है, दूसरा कॉलम भी कंप्लीट, अब तीसरा कॉलम की बात कर लेते हैं हम, वन इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू सिक्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो करते हैं, कितना हुआ, चार और जीरो मतलब फोर आया, ये कितना आया आपका, चार दूनी आठ आपका जीरो मतलब आठ ही आपका, उसके बाद पांच और बीस और जीरो तो मतलब बीस ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद दो एकम दो और तीन एकम तीन, इसके बाद दो दूनी चार प्लस चार एकम चार, ऐसे ही आपका पांच दूनी दस और प्लस के छह एकम छह, ऐसे एक एकम एक प्लस पांच दिया पंद्रह, एक में दो का मल्टीप्लाई किया दो प्लस पांच का आपको फोर में किया तो ट्वेंटी, ऐसे वन का मल्टीप्लाई फाइव में किया तो फाइव प्लस फाइव का सिक्स में किया तो आपका थर्टी। ठीक है, तो आप देख सकते हो दूसरा पद तो आपका इसमें जीरो हो रहा है, पहला ही पद आपका जो रह गया वही रह गया आपका पहले में। आप देखते सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं, पहले में आएगा फोर
एट, उसके बाद 20, ये कितना हो गया 2 और 3 आपका 5, 4 और 4 आपका 8, और 10 और 6 आपका 16, 1 और 15 आपका 16, और 2 और 20 आपका 22, और 5 और 30 हो गया आपका 35। तो यही आपका आंसर है जो आपका निकला 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका बी क्रॉस ए निकल आया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मल्टीप्लाई आपका जो है दो मैट्रिक्स का समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो अब मैं इसके बाद इसकी एक्सरसाइज लगाने वाला हूं, तो उस एक्सरसाइज में आप देखेंगे क्योंकि उसमें आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत है, बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं मल्टीप्लीकेशन के, तो आप उसमें ढंग से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।